काटे जाएंगे, कंडे काटे जाएंगे। राम राम जिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आपने एक वीडियो पहले देखा होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और अब इसके बाद मध्य प्रदेश के देवास से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बजरंग दल के गुंडे हैं, एक कह रहे हैं कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सोचिए दोस्तों, ये लोग किस तरीके से समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये गुंडे, बजरंग दल वाले गुंडे ही नहीं रुके, ये लोग पहुंच गए एक मस्जिद के पास में। मस्जिद को इन लोगों ने तोड़ दिया। इन बजरंग दल के गुंडों को सिर्फ एक बहाना चाहिए। बहाना मिलते ही मुसलमानों के घर पर पथराव करने लगते हैं, मुसलमानों पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। बहाना मिलते ये लोग मस्जिदों को अपना निशाना बना करके मस्जिदों को तोड़ने लगते हैं। और उसी राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, जी हां, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, सबके कहे जाने वाले मामा शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान के नाक के नीचे कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो नारे हैं, ये सांप्रदायिक नारे हैं, ये दंगा भड़काने वाले नारे हैं। इन नारों से कभी भी प्रदेश में हिंसा की चिंगारी भड़क सकती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मध्य प्रदेश की पुलिस इन बजरंग दल के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है आपको जानना चाहिए। दरअसल एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करता था, और जब उनका प्यार परवान चढ़ा तो मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को बाहर ले जाकर के शादी रचा ली। और जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल के गुंडों को पता चली, बजरंग दल के गुंडों ने कहा, हमें तो अच्छा मौका मिल गया साहब, अब हम मस्जिदों को तोड़ेंगे और अब हम मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे। ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, अशरफ ने लिखा है, मध्य प्रदेश के देवास में एक हिंदू मुस्लिम लड़की लड़के के भाग जाने के बाद इसका विरोध कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोपी युवक के घर पर पथराव के साथ साथ एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की गई। लड़की के परिजनों ने आरोपी मुस्लिम लड़के पर अपहरण का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं, इस बीच लड़की को भगाने के आरोपी मुस्लिम लड़के की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोगों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए। आपत्तिजनक नारे में दोस्तों यही है, कटवे काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आजाद मुल्क में यही हो रहा है। जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उसी देश में इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, और कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? मेरी तरह आप सब, हम सब, हर कोई जानता है बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। इसके पहले आपने देखा था दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने नारेबाजी की थी। अश्विनी उपाध्याय वकालत भी करते हैं, लेकिन इन लोगों की जो समझ दोस्तों, इन लोगों की समझ एकदम से नहीं है। इन लोगों की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोगों का ध्यान सिर्फ गलत कामों में लगता है। इन लोगों का ध्यान रहता है कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाए, किस तरीके से पूरे देश में हिंसा करवाई जाए, दंगा करवाई जाए। ये लोग कभी नौकरी पर बात नहीं करते, ये लोग हर एक वक्त मस्जिद और मंदिर पर बात करते हैं। इसीलिए बात करते हैं, इन लोगों को मौका मिल जाएगा 80 और 20 करने के लिए, यानी 80% जो बहुजन समाज है, जिसमें सवर्ण भी आते हैं और जिसमें मनुवादी भी शामिल हैं, इसके साथ ही 20% तकरीबन आबादी हमारे देश में मुसलमानों की है। ये लोग सोचते हैं हिंदुओं को एक करके हम लोग पूरे देश में अपनी सरकार बना लें, हर एक राज्य में हम लोग सरकार बना लें और मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाए। तमाम ऐसे नेता दोस्तों शामिल हैं जिनकी मानसिकता है कि देश में दंगा भड़के, देश में आग लगाया जाए। देखिए दोस्तों, ऑफ इंडिया वेबसाइट है, ये राइट विंग की वेबसाइट है, समझिए ये बीजेपी की वेबसाइट है। बीजेपी की खबरें अधिकतर यहाँ पर
प्रकाशित होती हैं, लेकिन उसी के हवाले से मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, ऑफ इंडिया ने छाप रखा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला उदयनगर थाना क्षेत्र का है। यहां के एक निवासी ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा कि उसकी 19 साल की बहन का अपहरण 20 साल के फरजान ने तब कर लिया जब उसके पिता इंदौर और अन्य तीन भाई बहन स्कूल गए हुए थे। पीड़ित के मुताबिक घटना के समय वो अपनी बहन के साथ खेतों में खाद डाल रहा था। अपहरण के लिए आरोपित ने बाइक का प्रयोग किया था। कितना खोजी पत्रकारिता कर रहा साहब, जब अपहरण किया गया यह अपहरण बताया जा रहा है। अरे भैया बता दीजिए, वो लड़की से प्यार करता था फरजान, फरजान लड़की को लेकर के चला गया, क्या गुनाह है इसमें? अगर दोनों लोग राजी हैं, दोनों लोग शादी करना चाहते हैं लड़के और लड़की, तो क्या शादी करना गुनाह हो गया है आजाद मुल्क में? और अगर इन लोगों ने गलती कर ही दी मान लिया जाए, लेकिन इन बजरंग दल के गुंडों को किसने लाइसेंस दे दिया है? आप लोग नारेबाजी करेंगे, आप लोग मस्जिद को तोड़ेंगे, आप लोग मुसलमानों घरों पर पथराव करेंगे, ये कहां का न्याय है? और कहां पर लिखा हुआ है, किस संविधान में लिखा हुआ है, किसने इनको अधिकार दे दिया? लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, क्योंकि सारे तार इनके बीजेपी जुड़े हुए हैं। ये गुंडे हैं दोस्तों, ये गुंडे हैं। ये लोग सोचते हैं कि मौका मिल जाए हम लोग प्रदेश को जला दें, हम लोग देश को जला दें। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल का था। दैनिक भास्कर मॉल है मध्य प्रदेश में, भोपाल में जो मॉल स्थित है डीबी मॉल में जब कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, ये लोग वहां पर जाकर के हिंदू और मुसलमान करवाना चाह रहे थे, ये लोग वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। सोचिए, बीजेपी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये बजरंग दल के गुंडे सिर्फ मध्य प्रदेश में दोस्तों एक्टिव नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों में एक्टिव हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, देश के जितने राज्य हैं बजरंग दल के गुंडे वहां पर एक्टिव हैं। लुलु मॉल की तस्वीरें आपने देखी थी, लुलु मॉल का हाल आपने देखा था। इन्हें चाहिए सिर्फ मस्जिदों पर हमला करने के लिए मिल जाए। ये लोग चाहते हैं जब कोई मुसलमान खुले में नमाज पढ़ेगा तो ये लोग मांग करते हैं उस मुसलमान गिरफ्तारी हो, उसको जेल भेजा जाए। लेकिन जब ये लोग जा करके मस्जिदों को निशाना बनाते हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ करते हैं, ये चाहते हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, और कार्रवाई होती भी नहीं है क्योंकि बीजेपी की सब जगह सरकार है। दोस्तों ये देश का हाल होने जा रहा है। क्या लगता है भाईचारा इसी तरीके से देश में कायम रहेगा? बजरंग दल के गुंडों पर सरकार कब लगाम लगाएगी? सरकार को चाहिए बजरंग दल के गुंडों पर रोक लगाया जाए, ये गुंडे दोबारा गुंडा ही ना कर पाए। लेकिन सरकार इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। वही कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है, जब सैया कोतवाल है तो डर काहे का। इन्हें पता है केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर इन लोगों की सरकारें हैं, इन लोगों की सत्ता है, इसीलिए इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। फिर से आप एक बार सुनिए ये लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों आपने इन लोगों का बयान, इन गुंडों का बयान सुन लिया, आप भी अंदर से काफी गुस्से में होंगे और आप भी सोच रहे होंगे इन गुंडों को किसने अधिकार दे दिया, इस तरीके से मुसलमान धर्म के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करेंगे। कतई ये नारेबाजी बर्दाश्त नहीं है। वहीं देखिए दोस्तों, सौरभ त्रिपाठी हैं, लल्लन टॉप में पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक दिन पहले ही सिर तन से जुदा वाला वीडियो देख मन खराब हुआ था, आज ये वायरल है। भगवान राम का नाम लेकर काटने की बात की जा रही है, हद है। फिर कहता हूं, ना सिर तन से जुदा चलेगा ना ये काटने की बात, इस देश में सिर्फ संविधान चलेगा। दोस्तों लेकिन इन लोगों के जो हौसले हैं, बजरंग दल के गुंडों के हौसले बुलंद हैं। वहीं देखिए दोस्तों, एक ट्विटर यूजर और है, ये क्या लिखते हैं, कटवे काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे का नारा मध्य प्रदेश के देवास में लग रहा है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के भागने पर हिंदुत्व भीड़ लड़के के घर पर पत्थरबाजी कर घर वालों से मारपीट करती है। सर तन से जुदा पर हल्ला मचाने वालों, गौर से सुनो, तुम्हारे लोग क्या नारे लगा रहे हैं,
आगे प्लस प्लस, लड़के के घर पर पत्थरबाजी की जा रही है, मस्जिदों को निशाना बना करके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन इन गुंडों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को हमें जरूर बताइएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।